हेलो एवरीवन, आप लोग देखे कैसे एपिसोड 2 में हम नूडल्स वाला बर्गर खाते हुए, मजे करते हुए, नए सब्सक्राइबर्स बनाते हुए आप पहुंचे हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं लखनऊ शहर। तो ये है बड़ा इमाम बड़ा। तो यहाँ पे वीडियो करना मना है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी वीडियो में टाइम, फ़ोटो खींचते वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। और फिर हम लोग लखनऊ से निकल पड़े और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ के आगे चल पड़े, क्योंकि हमारा मेन डेस्टिनेशन था वैष्णो देवी। तो हम लोग लखनऊ में ज़्यादा टाइम नहीं रुके और आगे चल पड़े पानीपत के तरफ। एक्सप्रेसवे में चलना स्टार्ट ही किए कि हम लोगों को दिखा एक साइकिल राइडर, तो हम लोग सोचे कि ये शायद बंगाल से हो सकता है, तो चलो इससे रुक के बात करते हैं। पर जब मिले सामने तो पता चला ये केजत है फ्रॉम कजाकिस्तान और इंडिया टूर पे आए हैं अगले 15 दिनों के लिए। Then he started playing this. बहुत जोरों का भूख लग गया था तो खाना ऑर्डर कर लिया। यहाँ पे एक फूड जोन मिल गया हम लोगों को, रोटी साथ में सब्जी वगैरह, दाल मखानी। बहुत ही भूख लगा था। दाल मखानी, बस दाल मखानी नहीं है, दाल है। दाल है, अच्छा है खाना। प्राइस थोड़ा इधर का ज़्यादा रहता है ना, ज़्यादा प्राइस ज़्यादा है इसीलिए अच्छा है। ঠিক আছে মনে হয়। আমি ভাবলাম আজকে যে টাইমে এগোচ্ছিলাম আজকে গেল বোধ হয় আবার এখানে। বাহ, গল্প হয়ে যেত এক্ষুনি। আমি ভাবছি কি এখানে তার পাবো কোথায়, ক্লাচের তার যদি ছিঁড়ে যায়। আমি তাই ভাবছি যে ক্লাচের তার যদি নষ্ট হয়ে যায় তার সাবস্টিটিউট কি। আমি ক্লাচের তারই আনিনি, আর সব এনেছি, এক্সেলেটরের তার আছে, ক্লাচের তারটা আনিনি। ভগবান বাঁচিয়ে নিচ্ছে, বেশি স্পিডে চালানো যাবে না।
चलो बेड़ी। फूड कोर्ट से बस निकलने ही वाले थे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा था, क्लच वेयर लूज हो गया था, तो अरूप ने जैसे तैसे करके उसको ठीक किया और हम लोग आगे चल पड़े पानीपत के तरफ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म करके हम लोग चल पड़े यमुना एक्सप्रेसवे के तरफ, और यमुना एक्सप्रेस होते हुए जब हम लोग सोनीपत के रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पे इतना जैम मिला कि दिमाग ख़राब हो गया। ये जो ऊपर ब्रिज है ना, ये ब्रिज डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा था चंडीगढ़ में, ठीक है, तो वो ब्रिज अभी बंद है फिलहाल क्योंकि वहाँ पे चल रहे फार्मर्स प्रोटेस्ट, और हम लोग ये नीचे सर्विस रोड से आगे जा रहे हैं जो कि बहुत ही धीमी गति से जा रहे हैं, पूरा जैम भरा पड़ा है, तो जैसे तैसे करके तो ये रोड से बस निकलना है हम लोगों को। तो कभी सर्विस रोड कभी हाईवे पकड़ के भी हम लोग जैम से निकल ही नहीं पा रहे थे और एक दो घंटा पूरे इसी जैम में फंसे थे, तो फाइनली हम लोग निकले और पहुंच गए सोनीपत। एकदम हाईवे के पास में ही हम लोग ने रूम ले लिया और ये है सोनीपत में। पानीपत तक नहीं गए क्योंकि ठंडी लग रहा था बहुत और हम लोगों को भूख भी लग गया है, किसी को कमर में दर्द होना स्टार्ट कर दिया है, तो सब कुछ मिला के हम लोग सोचते कि चलो ठीक है 30 किलोमीटर बाद ही है तो छोड़ देते हैं आज। तो ये वाला रूम हम लोगों को मिला है, अच्छा है रूम, दिखाती हूँ मैं। ये चाय भी ऑर्डर कर लिया है हम लोगों ने, इतना बड़ा बड़ा कप में चाय, देखो मेरा समझ में आ रहा है कितना बड़ा चाय का कप है, ये 25 रुपये करके पड़ा। ये वाला बेड है, इधर हम लोगों ने दूसरा एक तीसरा बेड ले लिया, और ये वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, बाकी रूम भी बहुत बढ़िया है। वार्डरोब देखो, मतलब घर के माफिक है ना, घर में जितना बड़ा बड़ा वार्डरोब वगैरह फर्नीचर वगैरह लेते वैसा। तो तीन लोगों का हम लोगों का ये रूम पड़ा 1500 पड़ा ये रूम चार्ज, जो कि काफ़ी डिसेंट है क्योंकि यहाँ पे बाकी होटल्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, तो ठीक है पर हेड 500 करके आ गया। और अभी करेंगे हम लोग डिनर, तो देखते डिनर में क्या ऑर्डर किया जा सकता है। बस नहा के निकली हूँ और ये जो खाना ऑर्डर किया था वो आ गया, देख के एकदम मन खुश हो गया मेरा। यहाँ पे देखो एक राइस है, मतलब वेज फ्राइड राइस टाइप का या बिरयानी बोल सकती हूँ मैं, कुछ भी। इसमें एक पनीर का डिश है, ये दाल मखानी, ये मिक्स वेज, इसमें रोटी पराठा दोनों ही है, और ये पापड़ है, साथ में सैलड है इधर, यहाँ पे रायता है, चटनी है, मिठाई है, पूरा फुल पैकेज जो आया है। दो प्लेट ऑर्डर किया है हम तीनों के लिए तो सफिशियंट है, रात भी बहुत हो रहा है तो खा लेंगे, अभी खा के सो जाएंगे। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, आई होप आप लोगों को ये नॉर्थ इंडिया वाला जो हम लोग व्लॉग्स बना रहे हैं दे रहे हैं डेली वो अच्छा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है, क्या चाहिए, क्या देखना है, तो मैं कोशिश करूँगी वैसा बनाने का। अभी बस स्टार्टिंग ही है, जर्नी एकदम शुरुआत का ही है, तो आप लोगों का सपोर्ट मिलने से बहुत ज़्यादा खुशी आता है। तो बस चलो मिलते हैं कल, ये तो बैठ गए अपना काम लेके, मैं भी थोड़ा काम कर लेती हूँ, थोड़ा मिनी व्लॉग बना लेती हूँ, फिर अपलोड में देना है। आज एनर्जी है तो आज एक घंटा काम कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।